नसरुल्लागंज में कांग्रेस शासन में अपने ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे कंचन सिंह ठाकुर कई बार ग्राम के हाई सेकेंडरी स्कूल मैदान व कई और शासकीय भवनों पर अतिक्रमण को लेकर प्रभारी मंत्री व कलेक्टर को आवेदन देने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल गेट के पर अनशन करना पड़ा। नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम लाड़कुई में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीण अनशन पर बैठे। गौरतलब है कि लाड़कुई की जनसंख्या 8000 के करीब है, जिसमें लगभग सैकड़ों एकड़ शासकीय भूमि पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इस अतिक्रमण को हटवाने के लिए लाड़कुई निवासी कंचन सिंह ठाकुर विगत 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि लाड़कुई में शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में लगभग 7 एकड़ भूमि है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा चहुं ओर से अतिक्रमण किया गया है। ये अतिक्रमण के कारण बैठा शासकीय भूमि के वही। कितने दिनों से बैठे हैं? 1 तारीख। इससे पहले आपने सूचना दी किसी को? सूचना दी किसको? कलेक्टर साहब के, एटीएम साहब के, सबके, तीन चार बार तीन साल से भुगत रहा है। ये गड्ढा खुद रहा था, जब से तहसीलदार साहब से भी कहते थे गड्ढा रुकवाओ, ये मकान जो बन रहा था अभी उनकी बता देते कि भाई साहब ये गड्ढा रुकवा और काम बंद करवाओ, ये गलत काम हो रहा है। तो कहनी वो तो बना हुआ भी टूट जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया टूट जाएगा, बन ही गया। वो सरपंच साहब का दस्तखत, सील मोहर कागज पे, ब्लॉक अध्यक्ष के सबके दस्तखत, सबकी सहमति काम हुआ और सब पीछे हट रहा है। ऐसा किसने बोला था कि बने गड्ढे मकान बना हुआ टूट जाएगा? वहाँ कलेक्टर ही गया था, बाबू ने कहा था एक तो आपके तहसीलदार साहब को ले जाकर दे देना, और वो तो बना हुआ मकान भी टूट सकता है। मैं तहसील में गया, तहसीलदार साहब मिले नहीं मेरे को बाद में। तो जहाँ आए कई वक्त जहाँ भी रिपोर्ट थी DSP साहब को सबको मैंने तो जहाँ जहाँ तो देना तो उनके सबको दे। ये जैसे कितने दिनों से बैठे हैं अभी आप? मैं 1 तारीख से बैठा। 1 तारीख से बैठे, अभी कोई मिलने आए आप? कोई नहीं आया, शुरू दिन ही आया तहसीलदार साहब और ATM साहब और DSP साहब। क्या बोल? वो कह रहा था DSP साहब कि आपको कोर्ट में केस लगाना था। मैंने कहा साहब हमारा कोई घरू काम तो था नहीं, इसमें कोर्ट में केस लगा, आपको कोर्ट में जरूर लगाना था केस, उनका केस ऑन चल रहा है। तो इनकी मेरे को ये भी नहीं मालूम, मैंने तो अभी भी इनका जो आवेदन दिया परमिशन के लिए तो 1 महीना पहले दे दिया, उसमें उनकी सुनवाई नहीं हुई। मेरी उनकी 30 तारीख थी, 1 तारीख मेरी थी, तो मैं बैठ गया 1 तारीख। कहाँ कहाँ है अतिक्रमण है लाड़कुई में? लाड़कुई में साहब यहीं से लगा के स्कूल का नाले तक, और गाँव वो पुराना स्कूल है, वो हॉस्पिटल जो बंदी है, ये सब शासकीय भूमि। नहीं, जिस प्रकार दादा अभी जिस प्रकार से आप बैठे हैं, अगर अतिक्रमण नहीं हटता तो फिर क्या करेंगे आप? मैं तो बैठा साहब जो कुछ है ठीक है, प्राण ही त्याग दूंगा। ये अतिक्रमण हुआ है, इससे ये हट जाए तो आपको क्या फायदा इससे? ये अतिक्रमण हट जाता है तो आपको क्या फायदा इससे? मेरे को तो कोई फायदा नहीं, सबको फायदा है, बच्चे बच्चे को फायदा है, सामने स्कूल के हट जाए तो कितना वो हो। मतलब आपके लिए नहीं? मैं मेरे लिए थोड़ी कर रहा साहब, मैं तो खाली जनता के लिए कर रहा हूँ, बलिदान दे दूंगा मगर उठूंगा नहीं। तो अभी पुलिस वाले आए हैं कोई आपके यहाँ? वो भैया एक फिरा करे है। अच्छा, अभी रात को आपके साथ क्या हुआ यहाँ? रात को जो पड़े थे नींबू उब्बू फेंक के गए, एक तो ओमपा था, एक कचरू बैरागी का छोरा था, मैंने खुद देखा आँख थे, और एक जो जीते इनने दुकान बंद करी, शटर जो बजी और फकते नीचे फेंक दिया, पूछ लो इन लोगों से। इनने फेंका जो आपने देखा? हाँ मैंने देखा नहीं, मैं तो आपने लौट रहा था, देख ही रहा। फिर आपने पुलिस को नहीं बताया? पुलिस को उतनी घड़ी बुलाया, बताया, उनने देख के गए। क्या बोले पुलिस वाले? ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं करी अभी? अभी कुछ भी नहीं हुई मेरा, इसके आप आगे या तो हमारी रिपोर्ट लिखा, नहीं तो आवेदन लिख के दो यहाँ से। अब मेरा लिखा में लिख दू, लिखने के सब टाइप करवाने वाले सब करे कौन? वो तो अब सब तो भाई चोर का भाई मोच है, वो हिसाब है।